हमने बात किया किससे, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी में मैंने बात किया कि चालुक्य डायनेस्टी जिसमें हमने बताया टेम्पल आर्ट्स, उसके बाद टेम्पल स्टाइल कितना है, तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा टेम्पल का स्टाइल है, नागर स्टाइल। उसके बाद जो साउथ इंडिया है उसमें द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल चलता है, उसके बाद बेसल स्टाइल। यानी कि पूरे भारत में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइल फॉर फाउंडिंग ऑफ द टेम्पल। पहला नागर स्टाइल, दूसरा द्रविड़ स्टाइल, तीसरा बेसल स्टाइल। साउथ इंडिया में जो चलता है उसको हम कहते हैं द्रविड़ स्टाइल, नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल, और ये दोनों का कंपोजिट रूप बेसल स्टाइल है। यानी कि आप समझ सकते हो नागर स्टाइल प्लस द्रविड़ स्टाइल इज इक्वल टू बेसल स्टाइल। ओके, अब इधर आओ, हमने ट्राइबल अलायंस की बात, ट्राइबल स्ट्रगल की बात की, या ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की बात की। ये त्रिपुट संघ यानी त्रिपक्षीय संघर्ष, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी ट्राइबल अलायंस यानी ट्राइबल स्ट्रगल, जिसमें है पाल डायनेस्टी, गुर्जर डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इसमें ये जो पाला डायनेस्टी है वह ईस्टर्न इंडिया के तरफ लीडिंग कर रहा है, नॉर्थ इंडिया के तरफ गुर्जर डायनेस्टी है और दक्षिण इंडिया के तरफ राष्ट्रकूट है यानी दक्कन के तरफ। ये तीनों अपना तीनों डायरेक्शन में ये लोग लीडिंग कर रहे हैं किंगशिप के लिए, और तीनों के बीच क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। और हिस्ट्री में इस इवेंट को ट्रांजिशन पीरियड ऑफ हिस्ट्री का कहा जाता है, इस समय को संक्रमण का काल कहा जाता है, क्योंकि तीनों गुट के बीच में आपसी संघर्ष शुरू होता है। उसके बाद इधर आइए, मैंने बात किया फिर किसमें, साउथ इंडिया में जो सिस्टमैटिक और स्ट्रेटजिक टेक्निक पर आधारित जो डायनेस्टी था वो था चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में जो इंपोर्टेंट डायनेस्टी था, इंपोर्टेंसी ऑफ द चोला डायनेस्टी, वो लोकल लेवल गवर्नमेंट के लिए जाना जाता था। और चोला डायनेस्टी केवल दक्षिण भारत में ही नहीं शासन किया, बल्कि ये भारत से बाहर यानी श्रीलंका पर विजय किया, और इसके जो संस्थापक थे चोला डायनेस्टी का वो थे विजयालय और राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, यानी कई इंपोर्टेंट शासक इसमें हुए, जिसमें से इसमें जो चोला काल के आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जो प्रसिद्ध है मैंने बताया था वो है नटराज स्टेचू, जो है शिव का स्टेचू इंपोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं शिव तांडव डांसिंग, यानी शिव का नटराज के बारे में हमने इस सब पर डिस्कस किया और लिखवाया भी। आज का क्लास